नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ये जनता के सेवक है, अपने आप को समझते हैं लॉर्ड गवर्नर। महाराजगंज जिले के पनियारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सकों का नजारा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिस कुर्सी पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उसके ठीक सामने मरीज बैठे हुए हैं। आप जरा डॉक्टर साहब के बैठने का तौर तरीका देख लीजिए, शायद आपको किसी लॉर्ड गवर्नर से कम नहीं लगेगा। रविवार को मेडिकोरिन कराने के लिए आए रामपुर के विचित्र कुमार को जहाँ एक घंटे अस्पताल में बैठकर डॉक्टर साहब का इंतजार करना पड़ा, वहीं रविवार को इमरजेंसी ड्यूटी पर देर से पहुंचे डॉक्टर साहब ने जहाँ हिला हवाली में कोई गौर कसर नहीं छोड़ी। वहीं डॉक्टर साहब का चपरासी मेडिकोकिल कराने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक इस बात को कहकर पैसे मांगे कि कुछ अच्छा करना है तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मेडिको लीगल कराने आए विचित्र ने जब एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर दिया तो धीरे से उच्च चपरासी अस्पताल से गायब हो गया और डॉक्टर साहब का भी अंदाज बदल गया। यहाँ तक कि उन्होंने मेडिकोगिल कराने से मना कर दिया। बाद में काफ़ी निवेदन के बाद डॉक्टर साहब ने मेडिकोगिल कराने को तैयार हुए, लेकिन मेडिकोगिल कराने आए मरीज के साथ दुर्व्यवहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अधिदेव कश्यप ने कहा कि इसकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। किसी को भी मरीज के साथ दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। हम आम जनता के सेवक हैं, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जहाँ भी सर में चोट लगता है। किस तरह का चोट लगा है? हमें जो जिसको लगेगा नहीं लगेगा नहीं।